नुमेरिकल नाइन ऑन अ सनी डे द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर इज थ्री फोर्टी मीटर पर सेकेंड टू ट्यूनिंग ए एंड बी आर साउंडेड साइमल्टेनियसली द वेव लेंथ ऑफ द साउंड इमिटेड आर वन पॉइंट फाइव मीटर एंड पॉइंट सिक्स एट मीटर रिस्पेक्टिवली हाउ मैनी बीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड बहुत आसान सवाल है गिवन हमें क्या है स्पीड ऑफ साउंड है वेवलेंथ ऑफ ऑफ बी गिवन है लेमडा बी नंबर ऑफ बीट्स कैपिटल एन मालूम करनी है सोलूशन की तरफ चलते हैं बीट्स कैसे मालूम की जाती हैं इट इज़ डिफरेंस ऑफ फ्रिक्वेंसी यानी वेवलेंथ से हमने फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है और वो हमें मिलेगी वेव इक्वेशन से वी इज इक्वल टू एफ़ लेमडा बारी बारी दोनों वेव से फ्रिक्वेंसी मालूम कर लेते हैं तो एफ ऑफ ए होगी एफ एज इक्वल टू वी डिवाइड बाई लेडा ए वी कॉमन है थ्री फोर्टी और डिवाइड बाई लेमडा ए वन पॉइंट फाइव तो इससे हमारे पास ऑफ ए uh, आ गई टू ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स फ्रिक्वेंसी ऑफ़ बी मालूम करनी है तो वी डिवाइड बाई लेमडा B, यानी थ्री फोर्टी डिवाइड बाई वन पॉइंट सिक्स एट और टू हंड्रेड एंड टू पॉइंट थ्री एट आ गई फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क बी अब इनका डिफरेंस लेना है तो लेकिन याद रखें एन मस्ट भी पॉजिटिव नंबर ऑफ बीट्स पॉजिटिव होनी चाहिए तो जो बड़ी फ्रीकवेंसी है उसको पहले लिखेंगे उसको अब देखेंगे क्या है एन इज इक्वल टू एफ ए माइनस एफ बी ऑफ ए ज़्यादा है उसको पहले लिखेंगे टू ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स माइनस टू हंड्रेड एंड टू पॉइंट थ्री एट डिफरेंसिस ट्वेंटी फोर पॉइंट टू एट बीट पर सेकेंड यानी अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी फोर बीट्स पर सेकेंड मिलेंगे आपको स्टडी विद मी लर्निंग एक्सपीरियंस